रात्रि क्लास चल रहा था 4 जनवरी 1968। द नाइट क्लास डेटेड 4th January 1968 वाज बीइंग नरेटेड। दूसरा पेज। सेकंड पेज। बाप ने स्थापन किया है सूर्यवंश और चंद्रवंश। द फादर हैज एस्टैब्लिश्ड द सन डायनेस्टी एंड द मून डायनेस्टी। सूर्य है तो सूर्यवंशी ही स्थापन करना चाहिए। इफ ही इज द सन ही शुड एस्टैब्लिश जस्ट द सन डायनेस्टी। और चंद्रवंश क्यों स्थापन कर दिया? व्हाई डिड ही एस्टैब्लिश द मून डायनेस्टी? है सूर्य श्रेष्ठ है या चंद्र श्रेष्ठ? इज द सन एलिवेटेड और इज द मून एलिवेटेड? तो सूर्य श्रेष्ठ की स्थापना करनी चाहिए ना। स्टूडेंट कमेंटेड, सो ही शुड एस्टैब्लिश समथिंग एलिवेटेड, शुडंट ही? और चंद्रवंश की स्थापना क्यों कर दी? व्हाई डिड ही एस्टैब्लिश द मून डायनेस्टी? कौन से बाप की बात है? इट इज अबाउट विच फादर? है अरे घंटों लगता है लिखने। अरे यू टेक आवर्स टू राइट। ब्रह्मा की बात है, ढेर सारे ब्रह्मा, ब्रह्मा की बात है। स्टूडेंट कमेंटेड, इट इज अबाउट ब्रह्मा, देर आर मेनी ब्रह्मा। सरकेस्टिकली टू द स्टूडेंट, इट इज अबाउट ब्रह्मा। एक्यूरेट बात ही नहीं बताएंगे। यू जस्ट डोंट गिव द एक्यूरेट आंसर। है रचना का वंश। वाह। स्टूडेंट रिप्लाइड, द डायनेस्टी ऑफ द क्रिएशन। वाह। प्रजापिता स्थापन करता है चंद्रवंश। स्टूडेंट कमेंटेड, प्रजापिता एस्टेब्लिशेस द मून डायनेस्टी। अच्छा प्रजापिता क्यों स्थापन करता है? अच्छा व्हाई डज प्रजापिता एस्टेब्लिश इट? प्रजापिता सूर्य समान बने तो सूर्यवंश स्थापन करे। इफ प्रजापिता बिकम्स इक्वल टू द सन ही विल एस्टेब्लिश द सन डायनेस्टी। और नहीं बना है? एंड व्हाट इफ ही हैजंट बिकम इक्वल टू हिम? नहीं बना है तो ज्ञान सूर्य से रोशनी लेने वाला है या देने वाला है? If he hasn't become equal to him, is he the one who takes light from the sun of knowledge, or is he the one who gives it? लेने वाला है ना। He is the one who takes it, isn't he? और लेने वाला तो चंद्रमा। The one who takes is certainly the moon. चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है तब पृथ्वी को देता है, पृथ्वी के प्राणियों में रोशनी जाती है। द मून टेक्स लाइट फ्रॉम द सन देन ही गिव्स इट टू द अर्थ, द लाइट गोज टू द बीइंग्स ऑफ द अर्थ। तो समझ में आया? सो डिड यू अंडरस्टैंड? कौन से बाप की बात है जिसने सूर्यवंश के साथ साथ चंद्रवंश भी स्थापन किया? इट इज अबाउट विच फादर हु एस्टैब्लिश्ड द मून डायनेस्टी अलोंग विद द सन डायनेस्टी? बोलो। टेल मी। स्टूडेंट कमेंटेड, यस शिव बाबा ने स्थापन किया। शिव बाबा एस्टैब्लिश्ड इट। माना दोनों ने मिलकर के स्थापन किया। इट मीन्स बोथ ऑफ देम एस्टैब्लिश्ड इट टुगेदर। आत्माओं के बाप शिव ने, जो आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं। द फादर ऑफ द सोल्स शिव, द वन हु इज द फादर ऑफ द सोल्स, ही इजंट बाबा। और फिर बाबा ने, बाबा माने? एंड देन बाबा, व्हाट डज बाबा मीन? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कैसे? ग्रैंडफादर हाउ इज ही द ग्रैंडफादर? दुनिया में ढेर के ढेर पिताएं हुए हैं, बाप हुए। देयर हैव बीन न्यूमरस फादर्स इन द वर्ल्ड। और वो अनेक धर्मों के बाप। एंड दे आर द फादर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। हुए ना? दे हैव बीन, हैवंट दे? और उन अनेक धर्मों के अनेक धर्म पिता हैं। एंड देयर आर वेरियस रिलीजियस फादर्स ऑफ दोस वेरियस रिलीजन्स। तो वो जो धर्म पिताएं हैं ना, सो द रिलीजियस फादर्स, वो दुनिया वाले जो भी हैं, है धर्म पिताओं के फॉलोअर्स, द वर्ल्डली पीपल हु आर द फॉलोअर्स ऑफ दोस रिलीजियस फादर्स, उनके बाप है ना? दे द रिलीजियस फादर्स आर देयर फादर्स, aren't they? धर्म पिताएं बाप है ना? नहीं है? द रिलीजियस फादर्स आर देयर फादर्स,
Aren't they? तो बापों के बाप हैं, धर्म पिता हैं। So, the religious fathers are the fathers of the fathers. और फिर उनका भी बाप? And then, who is even their father? धर्म पिताओं का भी कोई बाप हुआ? Is there someone who is the father of even the religious fathers? कौन हुआ? Who is it? है? Student commented, yes. उसको कहेंगे सारी प्रजा का बाप। He will be called the father of all the subjects. उसमें धर्म पिताएं भी आ गए। The religious fathers are also included in them, meaning the subjects. तो वो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है उसे के लिए कहेंगे चंद्रवंशी स्थापन किया क्योंकि वो चंद्रवंशी है भी। So, the one who is the father of the entire human world, it will be said for him that he established the moon dynasty, because he certainly belongs to the moon dynasty. पहले पहले चंद्रवंशी कौन? चंद्र कौन है? Who is the first person to belong to the moon dynasty? The moon? पहले पहले चंद्रमा अब्बल नंबर का है, प्रजापिता चंद्रमा है या दादा लेकर चंद्रमा है? The first moon is Prajapita the number one moon or is Dada Lekhraj the number one moon? Pehla Chandrama kon? Who is the first moon? Hai? Prajapita Chandrama. Prajapita is the moon. To bataya jo khud Chandra hai to Chandravansh bhi sthapan karega ki nahi? So it was said when he himself is the moon will he establish the moon dynasty or not? Student replied Yes. तो पहले नीचा वंश स्थापन करेगा कि पहले ऊंचा वंश स्थापन करेगा? So, will he establish the low dynasty first or will he establish the high dynasty first? है? पहले नीचा वंश स्थापन। First, he will establish the low dynasty. इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। This is why it is written in the scriptures as well. कि जो पैदाइश हुई नई सृष्टि में When the creation was created in this world, पहले पहले नीचों की पैदाइश हुई कि पहले ऊंच के देवताओं की पैदाइश हुई? Were the low ones born first or were the deities, the high ones born first? देवताएं बड़े या राक्षस बड़े? Were the deities elder or were the demons elder? बड़े कौन हुए? पहले पैदा होने वाले, पहले प्रत्यक्ष होने वाले। Who are the elder ones who are born first? Who are revealed first? है? है राक्षस। Student commented. Yes, the demons. तो ये असुर हैं। ये पहले जन्म लेते हैं, पहले प्रत्यक्ष होते हैं। So, these are the demons who are born first, who are revealed first. तो ये चंद्रवंश की स्थापना हुई। So, the moon dynasty was established. पता चला कौन से बाप के द्वारा? Did you come to know through which father it was established? जो अव्वल नंबर में चंद्र बनता है, चंद्रमा बनता है, उसे के द्वारा। It is established through the one who becomes the number one moon. तो कहते हैं ना? So it is said, isn't it? सिर्फ प्रजापिता कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। Is he called just Prajapita or Prajapita Brahma? प्रजापिता ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा है कि नहीं? There is Brahma as well along with Prajapita. Is he Brahma or not? हाँ है। Yes, he is. अम्मा है तो प्राप्ति किससे करती है? When she is the mother, who does she receive the attainment from? बाप से ही प्राप्ति करती है ना? हाँ। She attains it from the father himself, doesn't she? Yes. तो बाप ने सूर्यवंश चंद्रवंश जो स्थापन किया है कारण? क्योंकि और तो सभी आकर के सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। So, the reason that the father has established the sun dynasty and the moon dynasty is that all the others establish only the religion when they come. क्या? What? जिस बाप ने स्थापन किया है चंद्रवंश सूर्यवंश उसके अलावा जितने बाप हैं। All the fathers apart from the father who establishes the moon dynasty and the sun dynasty. चाहे वो देवताओं का बाप कहा जाए, सोलह कला संपूर्ण देवताओं का बाप। Whether he is called the father of the deities,
the father of the deities who are complete with 16 celestial degrees. चाहे वो इस्लामियों का बाप हो, बौद्धियों का हो, क्रिश्चियंस का हो, इनके सहयोगी धर्म पिताओं का हो. Whether he is the father of the people of Islam, the Buddhists, the Christians, or the father of their cooperative religions. वो सभी धर्म पिताएं आकर के क्या स्थापन करते हैं? What do all those religious fathers establish after coming? सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं. क्या नहीं करते? They establish only the religion. What don't they do? राज्य की स्थापना नहीं करते. और प्रजापिता? They don't establish the kingdom. And what about Prajapita? Prajapita राज्य की भी स्थापना करता है. Prajapita also establishes the kingdom. करता है ना? हाँ. He does, doesn't he? Yes. सूर्यवंश के राज्य की भी स्थापना करता है और चंद्रवंश के राज्य की भी स्थापना करता है. He establishes the kingdom of the Sun dynasty. As well as the kingdom of the moon dynasty. कि दादा लेखराज ब्रह्मा करता है राज्य की स्थापना. और does दादा लेखराज ब्रह्मा establish the kingdom? है? करता है? नहीं करता. Does he? He doesn't. और इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी जो भी मानवीय धर्म पिता हैं. And all the human religious fathers of the people of the Islam dynasty, the Buddhist dynasty. The Christian dynasty. है सबके राज्य की स्थापना करने का प्रैक्टिकल निमित्त कौन बनता है? Who becomes the instrument in practice to establish the kingdom for all of them? है हाँ प्रजापिता बनता है. Student commented. Yes, प्रजापिता becomes the instrument. और प्रजापिता को कौन किसने सिखाया? And who taught प्रजापिता? प्रजापिता को शिव बाप ने सिखाया. The father Shiv taught Prajapita. उस बाप ने सिखाया जिसका कोई बाप होता ही नहीं. The father who doesn't have any father taught him. तो देखो जो और धर्म पिताएं हैं वो कोई अकूट ज्ञान के भंडार नहीं बनते है ना? So look, the other religious fathers don't become the imperishable storehouse of knowledge, do they? बनते हैं? नहीं बनते. Do they become that? They don't. तो उनमें ज्ञान की बात नहीं है. There isn't knowledge in them. चाहे चंद्रवंशियों की स्थापना करने वाला बाप हो. Whether it is in the father who establishes the moon dynasty. चाहे इस्लामियों की, बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की स्थापना करने वाला धर्म पिता हो. ए! Or the religious fathers who establishes Islam. Buddhism or Christianity. बार बार सो जाते हैं. To the student, you fall asleep again and again. ओहो, कब तक चलता रहेगा? ओहो, how long will this continue? हाँ. Yes. उन धर्म पिताओं में ज्ञान की बात है ही नहीं. There isn't knowledge in those religious fathers at all. काहे की बात है? What do they have? ज्ञान की बात नहीं है तो फिर काहे की बात है? Then they don't have knowledge. What do they have? अरे कुछ होगी कि नहीं? अरे, will they have something or not? अरे, एक अक्षर. अरे, write just one word. धर्म की बात है. Student replied, do they have a religion? भक्ति की बात है. They have bhakti. वो ज्ञान नहीं स्थापन, ज्ञान नहीं सुना सकते. They can't narrate knowledge. है? ज्ञान तो सिर्फ एक से आता है. नॉलेज कम्स जस्ट फ्रॉम द वन. और भक्ति अनेकों से आती है. एंड भक्ति कम्स फ्रॉम मैनी. मतलब रावण से भक्ति आती है जिसको अनेक सिर हैं. इट मीन्स भक्ति कम्स फ्रॉम रावण हु हैज मैनी हेड्स. और राम से ज्ञान है. एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम राम. तो वो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य की स्थापना नहीं करते. So, they establish only the religion. They don't establish the kingdom. क्योंकि उनको आना ही है अपने समय पर धर्म स्थापन करने के लिए. Because they certainly have to come at their own time to establish the religion. अपने समय पर धर्म स्थापन करने के लिए आना है. They have to come at their own time to establish the religion.
ऐसे भी नहीं कि टोटल सारी दुनिया एकदम तमो प्रधान हो जाए, सब धर्म के फॉलोअर्स और धर्म पिताएं तमो प्रधान हो जाए, तब उनको आना होता है। इट इज इन दैट दे हैव टू कम व्हेन द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स टोटली तमो प्रधान, द फॉलोअर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स एंड द रिलीजियस फादर्स बिकम तमो प्रधान। वो बीच में आते हैं या आदि सो अंत में आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म पिता है। डू द अदर रिलीजियस फादर्स कम इन द मिडल और डू दे कम इन द बिगिनिंग सो द एंड? बीच में दे कम इन द मिडल। तो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, ऐसा लंबा डोर लगी रहती है। सो द सेकेंड वन आफ्टर द फर्स्ट वन, द थर्ड वन आफ्टर द सेकेंड वन एंड आफ्टर द थर्ड वन देर इज अ लॉन्ग क्यू इन दिस वे। उनके पिछाड़ी आते रहते हैं। दे कीप कमिंग आफ्टर देम मीनिंग ईच अदर। फिर धर्म पिताओं की वृद्धि होती जाती है कि नहीं? डू द नंबर ऑफ रिलीजियस फादर्स इंक्रीज और नॉट? हाँ, धर्म पिताओं की वृद्धि होती जाती है, धर्मों की वृद्धि होती जाती है। यस, द नंबर ऑफ रिलीजियस फादर्स एज वेल एज द रिलीजन्स कीप्स इंक्रीजिंग। और राज्यों की भी वृद्धि होती जाती है। एंड द किंगडम्स ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग। और बाप बैठ करके यहाँ राजधानी स्थापन करते हैं। एंड द फादर सिट्स एंड एस्टेब्लिशेस द कैपिटल हियर। वो धर्म पिता है राजधानी नहीं स्थापन करते। दोज रिलीजियस फादर्स डोंट एस्टेब्लिश द कैपिटल। राजधानी माने? व्हाट डज कैपिटल मीन? राजा की जो धारणा शक्ति है वो हिलती रहती है। द पावर ऑफ धारणा ऑफ द किंग कीप्स शेकिंग। उसको स्थिर नहीं कर सकते। दे द रिलीजियस फादर्स कांट स्टेबलाइज इट। तो ये काम किसका है? सो हूज टास्क इज इट? ये काम बाप का है। इट इज द टास्क ऑफ द फादर। बाप बैठ करके यहाँ राजधानी स्थापन करती है। द फादर सिट्स एंड एस्टेब्लिशेस द कैपिटल हियर। कौन सी बाप? विच फादर? कौन सी बाप? विच फादर? अच्छा। स्टूडेंट कमेंटेड, अच्छा। प्रजापिता, पतित को कहा जाता है या पावन को कहा जाता है? इज द इम्प्योर वन और द प्योर वन कॉल्ड प्रजापिता? है पतित। स्टूडेंट रिप्लाइड, द इम्प्योर वन। तो वो राजधानी स्थापन करता है। देन डज ही एस्टेब्लिश द कैपिटल? पतित। द इम्प्योर वन। और दुनिया के बड़े बड़े काम, छोटे बड़े काम जो भी होते हैं वो कौन करता है? हु डज द बिग टास्क, द स्मॉल एंड बिग टास्क दैट आर अकम्प्लिश इन द वर्ल्ड? है पतित करता है। द इम्प्योर वन डज इट। पतित पने से दुनिया के काम होते हैं? नहीं। आर द टास्क ऑफ द वर्ल्ड अकम्प्लिश थ्रू इम्प्योरिटी? नो, पवित्रता से होते। दे आर अकम्प्लिश थ्रू प्यूरिटी। तो प्रजापिता तो पतित को कहा जाता है ना? सो द इम्प्योर वन इज कॉल्ड प्रजापिता, इजंट ही? प्रजा जो है 500-700 करोड़, उसमें पतित ही ज्यादा है कि पावन है? आर देर मोर इम्प्योर सब्जेक्ट अमंग द 5-7 बिलियन सब्जेक्ट्स? और आर देर मोर प्योर वंस? सारे पतित बन जाते। एवरी वन बिकम्स इम्प्योर। जो सतयुग त्रेता में स्वर्ग में थे वो भी, वैकुंठ में थे वो भी पतित बन गए। दोज हू वर इन हेवन इन द गोल्डन एंड सिल्वर एज इन वैकुंठ दे टू बिकम इम्प्योर। तो कौन सा बाप बैठ करके राजधानी स्थापन करते हैं? सो विच फादर सिट्स एंड एस्टेब्लिशेस द कैपिटल? अरे बाप की बात हो रही है, बाबा की बात नहीं हो रही। स्टूडेंट रिप्लाइज, अरे वी आर डिस्कसिंग द फादर नॉट बाबा। आत्माओं का बाप आत्मा है ना? द फादर ऑफ द सोल्स इज अ सोल, इजंट ही? तो आत्मा तो अकेली कुछ नहीं कर सकती, ये तो ठीक बात है। इट इज करेक्ट दैट द सोल अलोन कांट डू एनीथिंग। लेकिन शरीर तो चाहिए ही ना? बट इट डज नीड अ बॉडी, डजंट ही? तो मुकर्रर रथ है, उसमें प्रवेश करके ये बात बोलते हैं। सो ही एंटर्स द परमानेंट चैरियट एंड सेज कि मैं आता हूँ। है व्हेन आई कम, आता हूँ माने प्रत्यक्ष होता हूँ संसार के सामने, तो दक्ष से राजधानी स्थापन कर देता। आई कम मीन्स व्हेन आई एम रिवील्ड बिफोर द वर्ल्ड आई एस्टेब्लिश द कैपिटल इमीडिएटली। कितना टाइम लगता है?
हाउ लॉन्ग डज ही टेक? एक सेकंड में राजधानी स्थापन हो जाती। द कैपिटल इज एस्टैब्लिश्ड इन अ सेकंड। तो यहाँ राजधानी स्थापन करते हैं। ही एस्टैब्लिशेस द कैपिटल हियर। माने इसी दुनिया में। इट मीन्स ही एस्टैब्लिशेस इट इन दिस वेरी वर्ल्ड। इसी दुनिया में माने? व्हाट डज इन दिस वेरी वर्ल्ड मीन? नरक की दुनिया के बीच में है स्वर्ग स्थापन करते हैं कि नहीं? Does he establish heaven amidst the world of hell or not? स्वर्ग की राजधानी नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग की राजधानी स्थापन होती है। The capital of heaven is established amidst the world of hell. उसे कहेंगे DT kingdom. That will be called the DT kingdom. या उनको राजधानी कहें। Or it will be called the capital. देवताओं की डायनेस्टी कहें। It can be called the dynasty of the deities. डायनेस्टी माने? What does dynasty mean? एक का राज्य। There is the kingship of the one in the beginning. फिर उसके बच्चे का राज्य। Then there is the kingship of his son. फिर उसके बच्चे का राज्य। Then there is the kingship of the son's son. तो डायनेस्टी चलती है कि नहीं? So does the dynasty continue or not? कि बस एक ही चलती फिर खत्म? Or does the rule of only the one continue in the beginning? And then it is over. Dynasty चलती। The dynasty continues. तो यहाँ dynasty स्थापन हो रही है। So the dynasty is being established here. कहाँ? नरक की दुनिया में कि स्वर्ग की दुनिया में कि परमधाम में? Where? Is it in the world of hell or in the world of heaven or in the supreme abode? यहाँ ऐसा नरक की दुनिया में स्वर्ग की बादशाही स्थापन हो रही। Here, in this world of hell, the emperorship of heaven is being established. हाँ। Yes. किसके द्वारा? Through whom is it established? अरे सवाल पैदा होता है ना किसके द्वारा? अरे the question through whom arises, doesn't it? बाप के द्वारा। अच्छा। Student commented. Through the father? अच्छा, ऊपर वाला जो बाप है, जो सदा ऊपर वाला ही है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं, उसके द्वारा? The father from above, who always stays above, there is no one higher than him. Is it established through him? बाप द्वारा नहीं। It isn't through the father. बाबा द्वारा। It is through बाबा। बाप तो सिर्फ आत्मा है ना? The father is just the soul, isn't he? तो वो जब तक शरीर में प्रवेश न करे तो बाबा बनेगा तभी तो। Until he enters the body, only when he enters the body will he become बाबा। हाँ। Yes. तो बाबा द्वारा योग बल से। So through बाबा, with the power of योग। कौन से बल से? Through which power? योग बल से राजधानी स्थापन हो रही है। The capital is being established with the power of yoga. Dynasty स्थापन हो रही। The dynasty is being established. हाँ। Yes. क्योंकि ये नियम है। It is because this is the rule. क्या? What? कि योग बल से ही विश्व की बादशाही मिल सकती है। The emperorship of the world can be obtained only through the power of yoga. किस बात से नहीं मिल सकती? It can't be obtained through what? हिस्ट्री क्या कहती है? What does history say? भोग बल से इंद्रियों का जो भोग भोगते हैं ना, उस भोग बल से विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। Through the power of भोग, the pleasure that you experience through the इंद्रिया, you can't achieve the emperorship of the world through that power of भोग। भोग means to seek pleasure. भोग? भोग। कौन सी इंद्रियों का भोग? भोग ऑफ विच इंद्रिया? ज्ञान इंद्रियों का भोग या कर्मेंद्रियों का भोग? इज इट ऑफ द ज्ञानेन्द्रिया और द कर्मेंद्रिया? कर्मेंद्रियों की भोग से। इज इट थ्रू द भोग ऑफ द कर्मेंद्रिया? हाँ, विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। कांट द एम्परियरशिप ऑफ द वर्ल्ड बी अचीव्ड? आत्मा के भोग से। स्टूडेंट कमेंटेड। थ्रू द भोग ऑफ द सोल? अरे भ्रकुटी में इशारा कर दिया। अरे यू इंडिकेटेड द भ्रकुटी। विश्व की बादशाही योग बल से मिल सकती है, भोग बल से नहीं मिल सकती।
The emperorship of the world can be obtained through the power of yog. It can't be obtained through the power of bhog. तो भोग एक तो कर्म इंद्रियों का होता है, एक ज्ञान इंद्रियों का भोग होता है. So, one is the bhog of the karmendriya and the other is the bhog of the gyanendriya. तो कौन से भोग से बादशाही मिल सकती है और कौन से भोग से नहीं मिल सकती है. So, through which bhog can the emperorship be obtained and through which bhog can't it be obtained? ज्ञानेन्द्रियों से बादशाही मिल सकती है. Student replied, the emperorship can be obtained through the gyanendriya. ज्ञानेन्द्रियों के भोग से बादशाही मिल सकती है. The emperorship can be obtained through the bhog of the gyanendriya. अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा ने स्थापन कर ली होगी. अच्छा, then ब्रह्मा बाबा will have established it. है? स्वर्ग में स्थापन की होगी कि नहीं? Will he have established it in heaven or not? ब्रह्मा बाबा ने या जो भी ब्रह्मा बाबा अधोमुखी हुआ या ऊर्ध्वमुखी है? ब्रह्मा बाबा और whoever, is ब्रह्मा बाबा अधोमुखी और is he ऊर्ध्वमुखी? अधोमुखी facing downwards, ऊर्ध्वमुखी facing upwards. अधोमुखी माने ये जो देह का अंग है, इंद्रियां, चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आँखें क्यों न हो. अधोमुखी means the parts of the body, the इंद्रियां, whether they are the most elevated eyes. वो अधोमुखी ही हैं. Are they definitely अधोमुखी? हैं, भोग भोग के नीचे ही गिरती हैं, गिराती हैं कि ऊपर उठाई ले जाती हैं. Do they experience pleasure, fall and bring down fall or do they take you upwards? हैं? हाँ. Student replied, yes. शिव बाबा ने ज्ञान इंद्रियों से योग बल. शिव बाबा थ्रू द ज्ञानेन्द्रिया द पावर ऑफ योग. ज्ञान इंद्रियों के योग बल से राजधानी स्थापन की. डिड ही एस्टेब्लिश द कैपिटल थ्रू द पावर ऑफ योग ऑफ द ज्ञानेन्द्रिया. आँखों से राजधानी स्थापन की. अच्छा. स्टूडेंट रिप्लाइड, डिड ही एस्टेब्लिश द कैपिटल थ्रू द आईज. अच्छा, तो आँखों के द्वारा ये जो दृष्टि का लेन देन है वो कितने वर्ष हो गए? So, how many years have passed in this exchange of drishti through the eyes? 80 साल हो गए. हो गई? 80 years have passed. Is it established? किसी की, राजा की धारणा शक्ति स्थिर हुई? Did the power of dharana of any king become stable? कि सब हिल रही है? Or are all of them shaking? अरे सारी राजधानियां हिल रही हैं या कोई स्थिर हो गई? अरे आर ऑल द कैपिटल्स शेकिंग और डिड एनीवन बिकम स्टेबल? तो फिर? स्टूडेंट कमेंट्स, देन योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है, भोग बल से नहीं मिलती. द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द पावर ऑफ योग एंड नॉट थ्रू द पावर ऑफ भोग. चाहे ज्ञान इंद्रियों का भोग हो और चाहे कर्म इंद्रियों का भोग हो. वेदर इट इज द भोग ऑफ द ज्ञानेन्द्रिया और द भोग ऑफ द कर्मेन्द्रिया. सो भोग से राजाई नहीं मिल सकती. कैसे मिल सकती है? सो किंगशिप कांट बी ऑब्टेन्ड थ्रू भोग. इट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू व्हाट? मन बुद्धि. थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट. मन बुद्धि का जो वाइब्रेशन है उसी से राजधानी स्थापन. द कैपिटल कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट. उसको कहेंगे असली योग बल. दैट विल बी कॉल्ड द रियल पावर ऑफ योग. बाकी सब? ऑल द रेस्ट. हाँ. स्टूडेंट कमेंट्स, यस. ज्ञान इंद्रियों का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं. द पुरुषार्थ दैट यू आर मेकिंग थ्रू द ज्ञानेन्द्रिया. या कर्म इंद्रियों से जो भाग दौड़ कर रहे हैं. और द रनिंग अराउंड थ्रू द कर्मेंद्रिया. वो असली योग बल है? इज दैट द रियल पावर ऑफ योग? नहीं है. इट इजंट. तो बताया याद का बल. सो इट वॉज सेड द पावर ऑफ रिमेम्बरेंस. याद कैसे होती है? कर्मेंद्रियों से कि ज्ञानेंद्रियों से? हाउ डू यू रिमेम्बर? इज इट थ्रू द कर्मेंद्रिया और द ज्ञानेंद्रिया? याद कैसे होती है? हाउ डू यू रिमेम्बर? मन बुद्धि से याद होती है.
स्टूडेंट कमेंट्स, यस यू रिमेम्बर थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट। हाँ ये जरूर है, आँखों से देखेंगे, कान से सुनेंगे। यस दिस इज सर्टन दैट इफ यू सी थ्रू द आईज, इफ यू लिसन थ्रू द ईयर्स। तो जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा देखेंगे, तो याद तो आएगा। द मोर यू लिसन, द मोर यू सी, द मोर यू विल रिमेम्बर इट। लेकिन वो याद जो है मन बुद्धि से याद आता है या कानों से आँखों से याद आता है? बट डू यू रिमेम्बर थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट और डू यू रिमेम्बर थ्रू द ईयर्स एंड आईज? मन बुद्धि से याद आता है। यू रिमेम्बर थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट, तो वो है असली योग बल। सो दैट इज द रियल पावर ऑफ योग। क्या? वॉट? इसे देह का कनेक्शन मन बुद्धि से बिल्कुल टूट जाए। द कनेक्शन ऑफ द बॉडी शुड कम्प्लीटली ब्रेक विद द माइंड एंड इंटेलेक्ट। क्या? वॉट? देह जैसे है ही नहीं। इट इज एज इफ द बॉडी डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। आंखें, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जैसे है ही नहीं। इट इज एज इफ द आईज, द ज्ञानेंद्रियां, द कर्मेंद्रियां डोंट एग्जिस्ट एट ऑल। काहे से राजधानी स्थापन होती है? द कैपिटल इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू व्हाट? हैं? समझा? डिड यू अंडरस्टैंड? वाइब्रेशन से। थ्रू द वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन कैसे बनता है? वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड थ्रू व्हाट? ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से। आर दे क्रिएटेड थ्रू द ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां? नहीं, कैसे बनता है? नो दे आर क्रिएटेड थ्रू व्हाट? है? हाँ, मन बुद्धि से वाइब्रेशन बनता है। स्टूडेंट कमेंट्स, यस वाइब्रेशंस आर क्रिएटेड थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो मन बुद्धि जो है वो सिर्फ मनुष्यों में होती है। सो द माइंड एंड इंटेलेक्ट आर ओनली इन द ह्यूमन बीइंग्स। जानवरों में, पशु पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में बुद्धि नहीं होती। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स डोंट हैव द इंटेलेक्ट। उनकी कोई डायनेस्टी स्थापन होती है, राजा ही स्थापन होती है? नहीं। इज देयर डायनेस्टी किंगशिप एस्टेब्लिश्ड? नो। बताया? इट वाज सेड। इसलिए? दिस इज व्हाई। ये भारत का प्राचीन राजयोग बल बहुत मशहूर है। दिस एंशियंट पावर ऑफ राजयोग ऑफ भारत इज वेरी फेमस। क्या? व्हाट? ये ऊंची सी ऊंची स्टेज है पुरुषार्थ की। दिस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ पुरुषार्थ। क्या? व्हाट? ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा जो पुरुषार्थ हो रहा है, कुमारों के द्वारा है? वो कौन सा पुरुषार्थ हो रहा है अभी? द पुरुषार्थ दैट द ब्रह्मा कुमारीज कुमार्स आर मेकिंग। व्हाट काइंड ऑफ पुरुषार्थ आर दे मेकिंग नाउ? भागदौड़ का पुरुषार्थ हो रहा है या कर्मेंद्रियों का पुरुषार्थ हो रहा है? आर दे मेकिंग द पुरुषार्थ ऑफ रनिंग अराउंड और आर दे मेकिंग द पुरुषार्थ ऑफ द कर्मेंद्रियां? कर्मेंद्रियों को नहीं हो रहा है। स्टूडेंट कमेंटेड, आर दे मेकिंग द पुरुषार्थ ऑफ द कर्मेंद्रियां? कभी हाँ हाँ, कभी ना। समटाइम्स यू से यस, समटाइम्स यू से नो। कर्मेंद्रियों का पुरुषार्थ हो रहा है। दे आर मेकिंग द पुरुषार्थ ऑफ द कर्मेंद्रियां? हो रहा है कि नहीं? आर दे मेकिंग दैट पुरुषार्थ और नॉट? अरे भाई प्रोजेक्टर शो किया। अरे ब्रदर, दे ऑर्गेनाइज्ड द प्रोजेक्टर शो। प्रदर्शनी की। दे ऑर्गेनाइज्ड एग्जीबिशंस। ये कॉन्फ्रेंस की। दे ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंसेस। ये राजयोग शिविर किया। दे ऑर्गेनाइज्ड द राजयोग कैंप। ये जो कुछ भी किया और कर रहे हैं। व्हाटएवर दे डिड एंड व्हाटएवर दे आर डूइंग। रिट्रीट सेंटर चला रहे हैं। दे आर रनिंग द रिट्रीट सेंटर। जो कुछ भी कर रहे हैं। व्हाटएवर दे आर डूइंग। वो सब क्या है? व्हाट इज ऑल दैट? कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ है या ज्ञानेंद्रियों तक पहुँचे? इज इट द रनिंग अराउंड ऑफ द कर्मेंद्रिया और डिड दे रीच द ज्ञानेंद्रिया? स्टूडेंट कमेंट्स, यस। और प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी? एंड व्हाट अबाउट द प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी? वो भी कर्मेंद्रियों तक ही अटके हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा। आर इवन दे स्टक एट द लेवल ऑफ द कर्मेंद्रिया मोस्टली? जो उनका हेड है तो ज्ञान इंद्रियों से, मन मुखों से ज्ञान सुनाता होगा।
their head must be narrating the knowledge through the gyanendriya, meaning the mouth. कानों से सुनता सुनाता होगा, दृष्टि से देखता होगा. He must be listening and narrating through the ears, and he must be watching through the eyes. बाकी बाकी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है या नहीं करता है? As for the rest, does he perform actions through the कर्मेंद्रिया or not? करता है ना? He does, doesn't he? तो जब तक कर्मेंद्रियों से कर्म करता है तब तक नहीं कहेंगे कि स्टेज जो है वो चढ़ती कला की बनी. So, until he performs actions through the कर्मेंद्रिया, it won't be said that he achieved the stage of ascending celestial degrees. चढ़ती कला की स्टेज तब है जब एकदम मन बुद्धि की पुरुषार्थ के ऊपर ऐसी स्टेज पकड़ ले. It is the stage of ascending celestial degrees when he attains a complete stage of purusharth through the mind and intellect. तो इस वाइब्रेशन के मन बुद्धि के वाइब्रेशन की योग बल से भारत को अपना राजभाग मिला था. So, through these vibrations, through the power of yoga of these vibrations of the mind and intellect, Bharat attained its share of kingship. और अब भी मिलेगा. And it will obtain it even now. और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना योग बल से हुई थी. And the ancient deity religion was established through the power of yoga. Yeah. What? ऐसे नहीं कहेंगे ज्ञान इंद्रियों के भोग बल से हुई थी या कर्म इंद्रियों की भागदौड़ से हुई थी. नहीं. It won't be said that it was established through the power of bhog of the gyanendriya or through the running around of the karmendriya. No. ये शरीर के बल से, शरीर की ज्ञानेंद्रियों के बल से, शरीर की कर्मेंद्रियों के बल से कभी भी राजधानी स्थापन नहीं हो सकती. The capital can never be established through the power of the body, through the power of the gyanendriya of the body, through the power of the karmendriya of the body. विश्व के ऊपर कोई राज्य स्थापन हो ही नहीं सकता. No kingship can ever be established over the world in this way. अगर कर सकते हैं तो फिर? If it can be established, मन बुद्धि के द्वारा याद करके ऐसा वाइब्रेशन बनाए जिससे राज्य की स्थापना हो, राजाओं की राजधानी स्थिरियम हो जाए. You should create such vibrations by remembering through the mind and intellect through which the kingship can be established, the capital of the kings becomes stable. तो बाबा ने, शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी स्थापन किया था. So, बाबा, शिव बाबा established it 5000 years ago as well. किसने? Who? अकेले बाबा ने या शिव बाबा ने? Is it just बाबा और शिव बाबा who established it? एक ने या दोनों ने मिलकर? Did one of them establish it or did both of them do it together? दोनों ने मिलकर प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी स्थापन की. Both of them together established the capital of the household path. शिव आत्माओं का बाप भी और बाबा मनुष्यों का बाप भी. Shiv, the father of the souls, as well as Baba, the father of the human beings. बाबा बाप होता है कि नहीं? Is Baba the father or not? बापों का बाप बाप नहीं होता? Isn't the father of the fathers the father? होता है, लेकिन बाबा कहा जाता है grandfather को. He is. But the grandfather is called Baba. तो दोनों ने मिलकर राजधानी स्थापन की थी तो प्रवृत्ति मार्ग के हुए या नहीं हुए? So, when both of them established it together, do they belong to the household path or not? पक्के या कच्चे? Student commented, are they firm or weak? पक्के माने? What does firm mean? स्वभाव और संस्कार, सुप्रीम सोल और सुप्रीम सोल का मुकर्रर रतधारी आत्मा के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हुए या नहीं हुए? Did the nature and संस्कार्स of the supreme soul and the soul of his permanent chariot harmonize and become one or not?
विष्णु रूप बने या नहीं बने? Did they become the form of Vishnu or not? विष्णु किसे कहा जाता है? Who is called Vishnu? जब पति पत्नी के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाए. When the nature and संस्कार of the husband and wife harmonize and become one. न कर्म इंद्रियों से झगड़ा है, न ज्ञान इंद्रियों से झगड़ा, न वाचा का झगड़ा, न दृष्टि का झगड़ा है, लाल पीली कर लो. There shouldn't be fight through the karmendriya, the gyanendriya, the speech or the eyes, so that their eyes become red. अगर होता है तो विष्णु रूप कहेंगे. If they fight, will they be called the form of Vishnu? कहेंगे. Will they be called that? वैकुंठ के सुख भोगने योगी कहेंगे. Will they be called those who are worthy of enjoying the happiness of Vaikunth? They won't. तो शिव और बाबा दोनों ने विष्णु रूप बन करके 5000 वर्ष पहले भी है ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की राज्य की स्थापना की थी. So both Shiv and Baba became the form of Vishnu and established the ancient deity religion, its kingdom 5000 years ago as well. और अभी भी? And even now. अभी भी स्थापना कर रहे हैं. They are establishing it even now. क्योंकि 5000 वर्ष पहले का ये खेल बना हुआ है. It is because this play of 5000 years is preordained. ऐसे नहीं कि अभी कोई नया बनाए रहे हैं. It isn't that it is being created anew now. और ये खेल सारा किसके ऊपर बना हुआ है? And all this drama is based on who? अरे रामायण बनी हुई है तो किसके ऊपर बनी हुई है? अरे if the Ramayan is made, it is based on whom? राम के ऊपर बनी हुई है. It is based on Ram. है ना? Isn't it? बनी है ना? It is. Isn't it? और हनुमान चालीसा किसके ऊपर बना हुआ है? And the Hanuman Chalisa is based on whom? Hanuman Chalisa, a poem in the praise of Hanuman. Hanuman ke upar bana hua hai. It is based on Hanuman. Bana hi nahi. Is it made or not? Ha? Yes. To ye jo kahani hai 5000 varsh ki, are ye kise ke upar bani hui hai? Ye behad ki kahani. So this story of 5000 years, the unlimited story, अरे it is based on whom? राम के ऊपर बने. शिव बाबा को उठा के कान पकड़ के अलग करो. Student replied, it is based on Ram. It means catch hold of Shiv Baba with their ear and separate him. वाह वाह ब्रदर. किसके ऊपर बनी हुई? On whom is it based? अरे भारत बनता ही तब है जब उसमें अकूट ज्ञान का भंडार सदा शिव प्रवेश करता है. अरे ही बिकम्स भारत ओनली वेन द इनएक्सॉस्टिबल स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज फॉर एवर शिव एंटर्स हिम. तब बंद भारत बनता है कि नहीं बनता है? ओनली देन ही बिकम्स भारत और डजंट ही बिकम दैट. तब भा भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला. देन भा Bha means the light of knowledge and Rath means the one who remains engaged. Gyan ki roshani mein jo sada rehne wala hai. The one who always remains engaged in the light of knowledge. Wo Bharat hai. That Bharat. Hai. Us Bharat ke upar hi ye sari kahani bani. This entire story is based on that Bharat alone. Videshon ke upar? On the foreign countries? विदेशों के ऊपर नहीं बनी. It isn't based on the foreign countries. भारत के ही 84 जन्म भोगते हैं. Only those who belong to Bharat have 84 births. है जो इस भारत के डायरेक्ट बच्चे नहीं हैं, वो 84 जन्म भोगते हैं. Those who aren't the direct children of this Bharat, do they have 84 births? नहीं. They don't. Om Shanti. Om Shanti.